चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के मामले में जब से एक वकील ने यह दावा किया है कि सीजेआई को फंसाया जा रहा है, तभी से इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। वकील के दावे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने वकील को कल तक हलफनामा दायर करने को कहा है, जिस पर कल कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज अदालत में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। आखिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को कौन फंसा रहा है? क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ हो रही है साजिश? क्या न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए खेला जा रहा है गंदा खेल? यौन शोषण के मामले में घिरे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पहले ही इस ओर इशारा कर रहे थे। केस बीच जब से वकील उत्सव बैंस ने यही दावा किया है, उसके बाद से ही मामले ने नया मोड़ ले लिया है। केस में 3 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन के बाद आज जब आरोपों पर सुनवाई हुई, तो वकील उत्सव बैंस ने अदालत में यही बात दावे के साथ रखी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला और कुछ अन्य रजिस्ट्री कर्मचारियों के साथ तपन चक्रवर्ती और मानव शर्मा द्वारा एक साजिश रची गई थी, यह गंभीर मसला है। उन्होंने मामले में सीलबंद लिफाफे में सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा। उन्होंने बैंस से कहा कि इस साजिश के पीछे देश के बड़े कॉर्पोरेट्स का हाथ हो सकता है, इसलिए पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिस पर कोर्ट ने कहा कि वकील की ओर से उठाया गया मुद्दा बेहद गंभीर है, कि कुछ बर्खास्त किए गए कर्मचारियों ने सीजीआई के खिलाफ साजिश रची है, इसलिए बैंस इस संबंध में कल एक हलफनामा दाखिल करे। स्पेशल बेंच ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाए, क्योंकि यह यौन उत्पीड़न के एक मामले में सीजीआई को आरोपित करने के लिए कथित साजिश से संबंधित है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक महिला ने कई जजों को पत्र लिखकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिस पर अब कल कोर्ट में सुनवाई होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।